श्री कृष्ण अवतार की एक झलक पाने के लिए बाबा भोलेनाथ साधु वेश में गोकुल पहुँचे। जानिए कैसे शिव शंकर ने माँ यशोदा से मांगी कान्हा के दर्शन की भी। शिव जी ने जोगी का रूप सजाया और उनके अपने गण श्रृंगी व भृंगी को अपने शिष्य बनाकर गोकुल के लिए निकल गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करते हुए वे नंदगांव में माता यशोदा के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अलख निरंजन शिव जी ने आवाज लगाई, आज परमात्मा कृष्ण रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं। शिव जी इन साकार ब्रह्मा के दर्शन के लिए आए हैं। यशोदा माता को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं। उन्होंने दासी को साधुओं को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधुओं को भिक्षा लेने व बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। शिव जी ने दासी से कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर पर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लल्ला के दर्शन करने हैं। दासी ने भीतर जाकर सब बात बताई। यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झाँक कर देखा कि एक साधु खड़े हैं। उन्होंने बागंबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। अनेक मनोतियां मांगी है, तब वृद्धावस्था में ये पुत्र हुआ है, ये मुझे प्राण से भी प्रिय है। आपके गले में सर्प है, लल्ला अति कोमल है, वो उसे देख कर डर जाएगा। तब शंकर भगवान बोले, हे मैया, मैं कुछ और भिक्षा लेकर क्या करूंगा, मुझे तो लल्ला के दर्शन की ही भिक्षा चाहिए। केवल एक बार मुझे उनकी मुख माधुरी के दर्शन करा दे, फिर मैं चला जाऊंगा। मैया डरते डरते अंदर गई और लल्ला को गोद में पकड़ कर ले आई। भगवान शंकर ये छवि देख कर आनंदित हो नाचने लगे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव शंभु। इसी तरह के धार्मिक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शक गण को जन्माष्टमी महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।